नमस्कार दोस्तों, दुनिया सबकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ श्वेता, मैं एक टीचर और जर्नलिस्ट हूँ और कहानी सुनाना मेरा शौक है। तो हमारी आज की कहानी जो है वो निकोलेटा कोस्टा, जो इटालियन राइटर हैं, उनकी इंग्लिश की किताब द ड्रैगन हु कुडंट ब्रीथ फायर का हिंदी रूपांतर है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी में आगे जाते जाते कुछ सवाल रास्ते में आपको सोचते जाने हैं साथ साथ। पहली बात आपको ये सोचती जानी है कि ये जो ड्रैगन है इसमें इतनी पेशेंस है, उसका इसे क्या फायदा होता है। फिर आपको ये सोचना है कि कैसे हम दूसरों से अलग होकर भी खुश रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वो करें जो सारी दुनिया कर रही है। ये कहानी है वो काफी पुराने समय की, जब ड्रैगन्स शायद हुआ करते थे। हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा तो हम नहीं कह सकते ड्रैगन होते थे कि नहीं होते थे, पर शायद हुआ करते थे। और ऐसा बोलते हैं कि जो ड्रैगन्स थे ना, दे यूज टू ब्रीद फायर, मतलब कि उनके मुंह से आग निकलती थी। लेकिन ये कहानी है इस प्यारे से ड्रैगन की, ये छोटा सा प्यारा सा हरा ड्रैगन जिसके मुंह से आग निकलती ही नहीं है और ये इसलिए बहुत दुखी और मायूस रहता है। एक दिन क्या हुआ कि इसका दुख इतना बढ़ गया कि इसने सोचा कि मैं अपना डंडा डोरिया उठाऊं, बोरिया बिस्तरा बांधूं और घर से ये निकल पड़ा। कहाँ के लिए निकल पड़ा? जंगल के लिए। क्यों? ढूंढने एक ऐसा व्यक्ति जो इसे सिखाए कि कैसे इसके मुंह से निकलेगी आग। चलते चलते बेचारा थक के पस्त होके लुढ़क गया। ऐसे में इसे हैरान परेशान दुखी देख एक उल्लू दिखाई दिया जो एक डाल पे बड़े मजे से बैठा था, मोटा बड़ा सफेद उल्लू। अब इस उल्लू ने क्या कहा? उल्लू ने इसको एक बोला, अरे भैया सुनो, ये सामने एक चुड़ैल रहती है, हाँ जादूगरनी चुड़ैल, तुम उसके घर जाओ, वो तुम्हें मदद करेगी। सोच में पड़ गया, जादूगरनी चुड़ैल, अरे अच्छा चलो जाता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, कुछ और तो कर नहीं सकता। बड़ी हिम्मत करके इस हमारे छोटे से प्यारे हरे ड्रैगन ने दरवाजा खटखटाया उस घर का। दरवाजा खटखटाया, खिड़की पर वो जादूगरनी चुड़ैल और उसकी तीन चार बिल्लियां सामने से देखने लगी। चुड़ैल की आवाज आई, इस वक्त कौन आया है? बड़ी हिम्मत करके हमारे छोटे से प्यारे से ड्रैगन ने बोला, चुड़ैल जी मैं हूं, मैं बहुत थक गया हूं, बड़े दिनों से चलता चला जा रहा हूं और अब भूख भी लग रही है, क्या मैं आज की रात आपके घर बिता सकता हूं? चुड़ैल बहुत ही ज्यादा दिलदार थी और बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, उसने उसको अपने घर में रखा, सूप पिलाया, बिस्किट खिलाए, चाय पिलाई। फिर बोली, मुझे ये बताओ कि तुम इतने दिनों से अकेले जंगल में क्यों भटक रहे हो? हमारा छोटा सा नन्हा सा ड्रैगन बोला कि असल में मेरे मुंह से आग नहीं निकलती और मैं इस खोज में निकला हूं कि कोई मुझे सिखा दे कि मुंह से आग कैसे निकालते हैं। ये सुन के चुड़ैल जो थी खूब जोर से हंसी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल दूंगी 2 मिनट में, मेरे पास मैजिक पोशन है, मैं बना सकती हूँ जादुई दवाइयां जिससे तुम्हारी ये परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम कल से ही शुरू करेंगे। अगले दिन की सुबह ढेर सारी उम्मीद लेकर आई। एक कमरे में हमारे छोटे से नन्हे से ड्रैगन ने वेट करना शुरू किया और दूसरे कमरे में मैजिशियन चुड़ैल, जादूगरनी चुड़ैल ने अपना काम करना शुरू किया। उसने वो दवाई बनानी शुरू करी, वो जादुई पोशन बनाना शुरू किया जो जिसे खाके ये ड्रैगन फायर ब्रीथ करने लगेगा। अब पहला पोशन पिलाने की बारी थी, ड्रैगन को बोला गया मुंह खोलो, ड्रैगन ने मुंह खोला, उसे दवाई पिला दी गई, वो दवाई गटक गया। थोड़ी देर बाद दवाई पीने के बाद बोला, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चुड़ैल बोली, बस बहुत बढ़िया है, चलो अब सांस बाहर फेंको। ड्रैगन ने सांस बाहर फेंकी और
ढेरों तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां आसपास फैल गई और बिल्लियां यूं भाग भाग के तितलियों को पकड़ने लगी। बेचारा ड्रैगन, ज्यादा अफसोस नहीं हुआ उसे, क्योंकि तुरंत ही जो जादूगरनी चुड़ैल थी बोली, तुम चिंता मत करो, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, मैं दूसरा पोषण बनाती हूँ। फिर चली गई अपने कमरे में। इस बार ड्रैगन जी महाराज को लेटा दिया गया। लेट कर बिल्लियां उनकी खिदमत कर रही थी। पोषण तैयार होके आया। एक बिल्ली ने बोला, मुंह खोलो। ड्रैगन ने मुंह खोला और पूरा पोषण गटक गया। जादूगरनी चुड़ैल ने बोला, सांस बाहर फेंको। ड्रैगन ने सांस बाहर फेंकी और सांस बाहर फेंकते ही इस बार ढेरों की तादाद में रंग बिरंगी सुंदर सुंदर मछलियां बाहर आ गई। मछलियां देख के बिल्लियां तो बहुत खुश हो गई भाई, क्योंकि बिल्लियों को मछलियां बहुत पसंद है, उनकी तो पार्टी हो गई। लेकिन जादूगरनी चुड़ैल ने अपने सर पीट लिया, बोली, हे भगवान, मुझसे ये क्या गड़बड़ हो रही है बार बार। इस बार तुम चिंता मत करो, पक्का मैं तुम्हें कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे दूंगी। चलो भाई, फिर से ड्रैगन का इंतजार शुरू हुआ। जादूगरनी चुड़ैल एक और नया पोषण इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना के लेकर आई। उसने तुरंत उसे पिलाया और बोला कि चलो अब सांस बाहर फेंको। सांस बाहर फेंकते ही इस बार ढेरों खूबसूरत महकते हुए फूल पूरी फिजा में महक गए, सब तरफ फैल गए। जब इतने सुंदर फूल फैल गए सब तरफ और उनमें से इतनी खूबसूरत खुशबू आने लगी, तो जादूगरनी चुड़ैल के मुंह से निकला, ये क्या, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और ये आग से कई बेहतर है, बेवकूफ। ये सुनकर जो हमारा छोटा सा नन्हा सा हरा ड्रैगन है, उसे लगा, सच में ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये फूल अगर ऐसे निकले हैं तो ये आग से तो कहीं बेहतर है। तो मैं क्यों चाहता हूं कि मेरे मुझसे में से आग निकले, मैं क्यों नहीं इन्हीं फूलों के साथ खुश हो जाऊं। जादूगरनी चुड़ैल ने उसे एक आइडिया दिया, बोली, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, तुम फूलों की दुकान खोल लो, बहुत चलेगी। फूलों की दुकान खुल गई, फूल खूब बिके। उस दुकान के महकते फूलों की खबर दूर दूर तक फैल गई और वो खबर फैलते ही उस नन्हे से ड्रैगन के माता पिता उससे मिलने आए। वो अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे फूल दूर दूर तक मशहूर हैं, लोगों को बहुत पसंद है, और एक बात मैं तुमसे और कहूंगा, चाहे तुम फूल बाहर निकालो, आग, तितली या मछली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जैसे हो तुम हमें वैसे ही पसंद हो, इसलिए घर वापस चलो। ड्रैगन ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा। ये सुन के वो बहुत खुश हो गया और घर की ओर वापस चल। ड्रैगन अपने माता पिता के साथ घर वापस चला जाता है और वहां जाकर भी एक फूल की दुकान खोल लेता है। तो क्यों और कैसे वो इतना मुतमईन हुआ, कैसे उसके सब्र ने उसका साथ दिया, और क्या आप अगर ड्रैगन की जगह होते तो सोचिए, खुश हो जाते सिर्फ फूल निकलने से आग की जगह? बताइएगा हमें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।